सो हेलो फ्रेंड्स दिस इज अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार डेफ फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस जिकोबियन रियल एंड कॉम्प्लेक्स अनालिसिस जो बुक है हमारे पास बीएससी एस फिफ्थ सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कुरेशेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुत्रा या सी बी एल यू सी डी एल यू जी जे यू एम किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हैं जहां पे भी ये सिलेबस में सभी के लिए वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जिकोबी के बारे में डील करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो विदाउट मीटिंग योर मच मोर टाइम स्टार्टअर क्वेश्चन और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे तो बेटा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इफ एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा जेड इक्वल टू जेड और ये चीज़ फाइंड करनी है आपको फाइंड दिस ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बात करेंगे कि ये आपका क्या होता है बेटा <coughs> तो हम इसको बोलते हैं जिकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा जेड सिंपली है ये हमारे पास यहां पे क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में जूकोबियन ऑफ एक्स वाई तो बेटा एग्जाम में हम इसको ऐसे भी लिखा आ सकता है ये कि जिकोबियन जे ऑफ जिकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा जेड हमें फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या है देखो सिंपली यहाँ पे आपको हमेशा जो भी नोमिनेटर में लिखा होता है ये तीनों फंक्शंस दिए होते हैं तीनों इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं हमारे इन एक्स आर थीटा जो भी डेनोमिनेटर में होता है वो ठीक है बट एनोमिनेटर में जो है वो हमारे फंक्शंस दिए होंगे आपको हमेशा एक्स वाई और जेड देखो एक्स की वैल्यू दी है वाई की वैल्यू दी, दी है और जेड की वैल्यू दी है तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे ऐसे लिखा हो कि डल एक्स वाई जेड बाई डल आर जेड या जे ऑफ ऐसे लिखाओ मीनिंग है कि हम जेकोबिन तो तो क्या फॉर्मूला है, है तो हम थ्री बाई थ्री का एक तो अपनी तरफ से नहीं बनाते रूल है हमारा ये क्या कहता है बेटा कि आप पहले एक को पिक कर ले सपोज करो आपने पहले एक्स वेरिएबल को पिक किया तो हम क्या करेंगे देखो डेल एक्स बाय अब इस एक्स को इन तीनों के रिस्पेक्ट में डेरीवेट करो आर के रेस्पेक्ट में भी एक्स को ही पिक रखें एक रो में एक्स को फिर थीटा के रिस्पेक्ट में भी बेटा और एक्स को फिर आप जेड के रेस्पेक्ट में भी फिर आप वाई को पिक करें ऐसे ही वाई को आर के रिस्पेक्ट में फिर बेटा वाई को आप थीटा के रेस्पेक्ट में और फिर आप वाई को जेड के रिस्पेक्ट में उसके बाद फिर आप यहाँ से जेड को पिक करेंगे डल जेड बाई आर के रिस्पेक्ट में डल जेड बाई थीटा के में और डेल जेड बाई जेड के ही रेस्पेक्ट में ये आपने डिटर्मिनेंट थ्री बाई थ्री ऑर्डर का फाइंड करना है जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही क्या होगा जिकोबिन होगा रिक्वायर्ड तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि बेटा पहले एक्स को पिक किया एक ही रो में ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना एक्स को पिक किया एक ही रो में आर के रेस्पेक्ट में जो भी नीचे है वो क्रैम नहीं करना आपने रख रहे हैं। यहाँ पे तो क्या होगा विच इज इक्वल टू अब बेटा यहाँ पे चेक करो कि एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है आर कोर्स थीटा तो इसका मतलब है कि पार्सल डरीवेट करना है, 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 है हमने किसको बेटा एक्स को पार्सल डेरीवेट करना है हमने आर के रिस्पेक्ट में तो जब हम एक्स को पार्सल डेरीवेट करेंगे आर के रेस्पेक्ट में तो आर को वेरिएबल लेंगे बाकी सबको कॉन्स्टेंट क्रिएट करेंगे ये पता है आपको सभी को फिर भी कोई डाउट है कॉमेंट कर देना मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर तो बेटा x को r के रिस्पेक्ट में डेरीवेट करो r का कोस थीटा तो कॉन्स्टेंट आ गया r को डेरीवेट करोगे r के रिस्पेक्ट में r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में वन आ जाएगा तो डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया कॉस ऑफ थीटा फिर आप x को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा आ जाएगा फिर आप एक्स को जड़ के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स को जब जड़ के रिस्पेक्ट में करोगे जड़ तो अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे तो डेरिवेटिव हो जाएगा आपका जीरो फिर आप वाई को आर के रिस्पेक्ट में करोगे वाई दिया हुआ है ये आ जाएगा साइन थीटा फिर आप वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो आर साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा कोश थीटा वाई को जड़ के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई में जड़ अवेलेबल नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा फिर जड़ के तो आप पास आ जाओ जड़ को आर के रिस्पेक्ट में करोगे जीरो जेड को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे क्योंकि जेड तो जेड ही है ये आपका जीरो और जेड को जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो वन आ जाएगा आपका तो ये डेटर्मिनेंट आपका आ गया ठीक है बेटा तो इस डेटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दें अब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो देखो वैसे तो अगर आप इसको फर्स्ट वाली रो के कोरस्पॉन्डिंग भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और थर्ड वाली रो के कोरस्पॉन्डिंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है बेटा तो देखो जब मैं इसको फर्स्ट वाली रो के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करता हूँ तो क्या आएगा कोस थीटा इंटू ये जाएगा और ये जाएगा आर कोस थीटा इंटू वन तो ये आ गया आर कोस थीटा माइनस जीरो इंटू जीरो जीरो आ जाएगा माइनस साइन माइनस पहले से है तो ये आर साइन थीटा इंटू ये वाली कॉलम जाएगी ये वाला रो साइन थीटा इंटू वन साइन थीटा जीरो इंटू जीरो जीरो तो ये आ जाएगा बेटा साइन थीटा ठीक है और लास्ट में प्लस जीरो इंटू तो ये तो जीरो ही आ जाएगा ये तो करने की निड़ी नहीं है हमें ठीक है बेटा अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा आर कॉस स्केर थीटा और प्लस आर साइन स्केर थीटा तो आर कॉमन आ जाएगा और कॉस स्केर थीटा प्लस साइन स्केर थीटा ये कितना बन जाएगा वन बन जाएगा तो आंसर आया आर तो हमारा ये जोकोबियन क्या आया है यहाँ पे आर आया है ठीक है बेटा उसके बाद फिफ्थ वाला एग्जांपल जो हमें दिया हुआ उसकी बात करते हैं एक्स गिवन है आर साइन थीटा कोर्स फाइव वाई गिवन है आर साइन थीटा साइन फाइव जेड गिवन है आर कोस थीटा जोकोबियन फाइंड करना है एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाइव तो मैं इसको थोड़ा सा यहीं पर चेंज कर देता हूँ ये यहीं पे हो जाएगा बेटा देखो इसमें भी आपको डरने की बात नहीं है बिल्कुल सिंपली वे में हम इसको करेंगे इसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस करेंगे देखो जेको फाइंड करना है का विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई तो यहाँ पे जेड की प्लेस पे क्या है बस इसको आप फाई कर लेना ठीक है अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो तो ये तो सेम सिम रहेगा एक्स को आर में किया थीटा में किया और जेड की जगह क्या आ जाएगा फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ऐसे यहाँ पे आर थीटा और और यहाँ पे वाई को फाई के रिस्पेक्ट में किया जेड को आर के रिस्पेक्ट में थीटा के रेस्पेक्ट में और फिर जेड को फाइ के रिस्पेक्ट में ठीक है अब वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे देखो कैसे विच इज इक्वल टू बेटा इसको बड़े ध्यान से करेंगे जब हम x को r के रिस्पेक्ट में करेंगे अब x आपका नीचे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है फिफ्थ वाले के तो x है r साइन थीटा कोस फाइव आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा साइन थीटा और साइन साइन थीटा कोस फाइव तो साइन थीटा कोस फाइव ये आ जाएगा बेटा ठीक है फिर एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा माइनस पहले लगा दिया तो यह हो गया साइन फाइव ठीक है बेटा अब वाई को आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो साइन थीटा और साइन फाइव आ जाएगा वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो आर कॉस थीटा और साइन फाई आ जाएगा आपका क्लियर उसके बाद वाई को phi के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा आर साइन थीटा साइन phi का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा कॉस phi हो जाएगा क्लियर अब थोड़ा सा और हम इसको सिंप्लीफाई कर लें अब हमने करना है जेड को आर के रिस्पेक्ट में जेड है आर कोश थीटा आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो कोश थीटा आ जाएगा आर का वन हो जाएगा फिर जेड को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस आर कोश थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा माइनस पहले अप्लाई हो गया जेड को फाइव के रिस्पेक्ट में करोगे फाइव अवेलेबल नहीं है तो ये आ जाएगा आपका जीरो तो ये वाला डिटर्मिनेंट बन गया बेटा अब इस डिटर्मिनेंट को हमने क्या करना एक्सपेंड करना किसी भी रो के कोर्सपॉन्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं तो आपको जो रो यही लगे उसके एक्सपेंड करना तो देखो अगर मैं इसको फर्स्ट रो के थर्ड वाली रो के इसलिए ईजी रहेगा कि थर्ड वाली रो के कोर्सबॉन्डिंग जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये जो कोर्स थीटा इंटू माइनस आर साइन थीटा और ये, ये जीरो नेक्स्ट वाली हमारी लास्ट वाली कैलकुलेशन uh, होगी वो जीरो इंटू सारा जीरो हो जाएगी या आप सिंपली फर्स्ट रो के कोर्सबॉन्डिंग करके देखो तो मतलब मैंने आपको ऑप्शंस बता दे कैसे भी कर सकते हैं तो मैं पहले वाली, एक, तो theta, phi, वाली रो के ही नहीं साइन थी कोलम जाएगा और ये पहले वाली रो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई जीरो इंटू पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर स्केर तो आर तो मैं डायरेक्ट लिख दू यहां पे आर साइन थीटा साइन थीटा साइन स्केयर थीटा और कॉस फाइ ठीक है बेटा ये आ जाएगा फिर उसके बाद माइनस आर कोस थीटा कोस फाइव आर कोस थीटा कॉस ऑफ फाइव ठीक है उसके बाद ये वाला कॉलम जाएगा फर्स्ट वाली रो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो साइन थीटा साइन फाइव ये जीरो जीरो हो गया बेटा और माइनस साइन अप्लाई होता है और आर इंटू दिस तो ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा और कोस फाइव ये आ जाएगा बेटा ठीक है उसके बाद ये वाली तो माइनस वह तो प्लस होता है तो माइनस है क्योंकि तो माइनस रहेगा आर साइन थीटा साइन फाइव ठीक है बेटा और ये वाला कॉलम जाएगा थर्ड वाला फर्स्ट वाली रो जाएगी जो ये गया तो इसके साथ इसके मल्टीपल तो माइनस आर साइन थीटा साइन थीटा साइन स्केयर थीटा और साइन फाइव एज इट इज साइन फाइव माइनस साइन अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो कितना हो जाएगा आर थीटा और साइन फाइव आर कोस स्केयर थीटा साइन फाइव तो ये आया हमारा एक्सपेंड होने के बाद अब इसको हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है जस्ट देखो क्या क्या यहां से कॉमन आएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें अंदर इसके अंदर हो जाएगी बेटा तो ये हो जाएगा आर क्यूब नहीं आर स्केर ही रहेगा साइन क्यूब थीटा कोस स्केयर फाइव हो जाएगा यहाँ से भी इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके इधर लिखते हैं विजय जी, जी देखो कितना हो जाएगा ये आ, आर स्केयर तो आर स्केयर साइन थीटा साइन स्केयर साइन क्यूब बन गया बेटा साइन क्यूब थीटा कोस फाइव इंटू कोस फाइव आपका बन गया कोस कोस स्केर फाइव ठीक है बेटा पहले वाला सेकेंड वाले पे आओ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर इंटू आर हो जाएगा आर स्केयर क्लियर को पहले साइन की बात आओ साइन तो साइन थीटा साँग थीटा फिर है आ, थीटा कोश थीटा, कोश स्केर थीटा 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 तो कोसकेयर थीटा फिर कोस फाइव भी है बाद में भी कोस फाइव है तो कोस स्केर फाइव ठीक है बेटा ये बन गया अब आपने सबसे लास्ट वाला मल्टीप्लाई करना है देखो ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आर इंटू आर आर स्केयर अब देखो साइन स्केयर इंटू साइन तो साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा और ये साइन क्यूब थीटा हो गया साइन फाइव इंटू साइन फाइव साइन स्केयर फाइव तो साइन स्केयर फाइव तो इसको अलग करो क्योंकि ये तो अलग है अब इसके साथ माइनस माइनस ये लास्ट वाला स्टेप प्लस तो ये भी आर इंटू आर आर स्केयर हो गया बेटा साइन थीटा एक ही है और साइन थीटा एक बार ही लिखेंगे तो साइन थीटा उसके बाद साइन थीटा हो गया फिर है साइन स्केयर फाइव साइन फाइव साइन फाइव साइन स्केयर फाइव तो साइन स्केयर फाइव और फिर आपका बचा कोस स्केयर थीटा तो कोस स्केयर थीटा अब देखो कुछ कैंसल हो रहा है क्या एक बार ये आया है आर स्केयर साइन क्यूब थीटा है कहीं पर आर स्केर साइन क्यूब थीटा यहाँ पे है और यहां पे है देखो इन दोनों को पहले वाले को और थर्ड वाले को इन दोनों में देखो क्या है आर क्यूब साइन क्यूब थीटा कॉमन दोनों में से को स्केर फाइव प्लस तो क्या बचा इन दोनों से पहले वाले से और थर्ड वाली जो टर्म है इनसे बचा आर स्केयर साइन क्यूब थीटा ठीक है बेटा अब बची मेरे पास सेकेंड और फोर्थ वाली टर्म सेकेंड और फोर्थ में क्या कॉमन है देखो आर स्केर आर स्केर साइन थीटा साइन थीटा और को स्केर थीटा भी कॉमन है ठीक है देखो यहाँ पे जो सेकेंड और फोर्थ है इसमें से क्या मेरे पास आर कॉमन बेटा साइन कॉमन और साइन कॉमन को थीटा कॉमन को थीटा कॉमन इस वाली में से और इस वाली में से ध्यान से देखो आर स्केयर साइन थीटा को स्केयर थीटा कॉमन बचेगा क्या को स्केयर फाइव यहाँ से साइन स्केयर फाइव है तो को स्केयर फाइव प्लस साइन स्केयर फाइव वो भी हो गया वन उसको मैंने लिखा नहीं अब ये बचा इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है इन दोनों में से आर स्केयर और साइन थीटा कॉमन तो आर स्केयर साइन थीटा कॉमन तो यहाँ से क्या बचा साइंस स्केयर थीटा तो ये बचा बेटा साइंस स्केर थीटा आर स्केयर साइन थीटा तो कॉमन तो साइंस केय थीटा प्लस को स्के थीटा तो साइंस के थीटा प्लस कोश के थीटा वन बन गया तो आंसर क्या आया विच इज इक्वल टू आर स्केयर साइन थीटा तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है इस जिकोबियन का ठीक है बेटा तो ऐसे आप कोई भी जिकोबियन अगर आपको दिया हुआ है तो इस वाले फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हैं कोई भी डाउट है आपको आप कॉमेंट करके बता सकते हैं मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बेटा सबसे पहले मिलता रहे और आपको सबसे पहले कौन से टॉपिक ज़्यादा मुश्किल लगता है जो भी टॉपिक अगर पर्टिकुलर वीडियो बनाना चाहते हैं आप तो मुझे कॉमेंट जरूर कर देना बेटा मैं उस पर ऊपर आपको वीडियो बना दूँगा इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू सो मच